सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टुडे वी विल स्टडी अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास टेंथ साइंस ऑफ फिजिक्स दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लैक्शन सो इन दिस चीफ चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट टू फिनोमिना ऑफ लाइट फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड नदर इज रिफ्लैक्शन So, to start this chapter, we should know some terminology about this chapter like what is object, what is ray of light, what is luminous, non luminous, transparent, uh, opaque, or translucent. So, let us start. First of all, you have to know what is light. You know about light, uh, you have heard about solar light, solar energy, solar cooker, solar panel, but basically, what is light? तो बेसिकली लाइट के बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं जैसे न्यूटन साहब ने सबसे पहले बारे सबसे पहले लाइट के बारे में बताया था कि लाइट हमेशा पार्टिकल की फॉर्म में चलती है जो कोर पुसल्स बोलते हैं जिसको जिसको कोर पुसल्स बोलते हैं किसने कहा था ये न्यूटन साहब ने कहा था ठीक है उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं जैसे यंग्स आते हैं थॉमस यंग थे और हाइजन थे और बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं नंबर ऑफ साइंटिस्ट कम्स फेस टू लाइट तो बेसिकली थ्योरीज की डिफरेंट डिफरेंट है तो उन्होंने बताया कि लाइट एक इस टाइप की एनर्जी है जो हमेशा स्ट्रेट इस पाथ में मूव करती है और जो हमेशा पार्टिकल से बनी होती है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ लाइट ये दिखाई जा रहा है वी लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ लाइट इसका ये मतलब होता है कि लाइट इस तरह की एनर्जी है जो हमें सेंसेशन करती है सेंस कराती है बेसिकली हमारी फीलिंग को हमारी स्किन को अगर हमारी आइज में पड़ती है तो हमारी आइज पे सेंसेशन प्रोड्यूस करती है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन इन आवर आइज या सेंसेशन ऑफ लाइट दूसरी लाइन देखिए लाइट इज मेड अप ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम द सोर्स अभी जस्ट बताया मैंने आपको लाइट बहुत सारे पार्टिकल से बनी होती है स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल मतलब पार्टिकल्स का भंडार इन्फाइन नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी होती है और वो कहाँ से निकलते हैं वो पार्टिकल दैट पार्टिकल इमिट फ्रॉम सोर्स जो भी लाइट का सोर्स है वहां से वो पार्टिकल निकलते हैं क्लियर है यहां तक ठीक है अभी हमें चला पता कि लाइट जो बेसिकली क्या है लाइट ड्यूअल नेचर है वो बत, सब बताया मैंने आपको ड्यूअल नेचर का मतलब होता है लाइट ऐसे भी ट्रेवल करती है और लाइट स्ट्रेट पाथ में भी ट्रेवल करती है दिस इज द वेव नेचर ऑफ लाइट मतलब मेरा कहने का यह है लाइट ऐसे भी ट्रेवल करती है और लाइट ऐसे भी ट्रेवल करती है बट वी विल नॉट स्टडी दिस नेचर ऑफ लाइट दिस इज वेव नेचर ऑफ लाइट एंड दिस इज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ठीक है सो वी विल स्टडी दिस नेचर ऑफ लाइट इसको हम बोलते हैं रे वाई दिस इज कॉल्ड रे अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि लाइट रे अगर मान लेते हैं यहां एक सोर्स ऑफ लाइट है दिस इज ए सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से लाइट स्ट्राइक करके ये दिखाई दे रही है आपको जाती हुई दिखाई दे रही है ठीक है तो स्ट्रेट पाथ में लाइट ट्रेवल करती है क्लियर है अब इन लाइट को जो आपको दिखाई दे रही होंगे स्प्लिट होती हुई इन लाइट्स को अगर आप पेपर पे बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे तो सिंपल आप लाइन से ड्रो कर सकते हैं तो जैसे आप लाइन से इसको लाइन लाइन की तरह आप इसको ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली आपको लाइन ड्रो करने से ये पता नहीं चल रहा है लाइट किधर से आ रही किधर जा रही है तो इसके लिए हम क्या करते हैं लाइट करते हैं लाइट इधर से आ रही है तो हम इधर की तरफ एरो लगाना स्टार्ट कर देते हैं लाइट करते तो लाइट इधर से आ रही है तो हम इधर की तरफ एरो लगाना स्टार्ट कर दें इधर से इधर आ रही है तो ये हम ये हम आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ऐसा करते हैं ठीक है तो वाटी रे ऑफ लाइट रे ऑफ लाइट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाथ ऑफ लाइट हमें पता है लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ एंड इफ वी ड्रो दिस पाथ ऑफ लाइट इन द पेपर देन वी विल रिप्रेजेंट दिस लाइट ये है यहां पर सोर्स होगा लाइट का, का इधर जा रही है यहां पर सोर्स होगा लाइट का, का उधर जा रही है यहां पर सोर्स होगा का लाइट का इधर जा रही है यहाँ पर सोर्स होगा लाइट का, का इधर जा रही है सो दिस इज द पाथ ट्रवल्ड बाय लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रे ऑफ लाइट क्लियर है यहाँ तक ठीक है हाँ आगे बढ़ते हैं अब बेसिकली क्या होता है हमारी रे ऑफ लाइट जो होती है आ, किसी भी सोर्स से एक रे ऑफ लाइट तो आती नहीं है नंबर्स ऑफ रे ऑफ लाइट आती है भंडार होता है बहुत सारी आती है स्ट्रीम ऑफ लाइट आती है तो एक रे को हम के मतलब एक पाथ को हम क्या बोल रहे थे रे ऑफ लाइट बट जब नंबर्स ऑफ पाथ रे बहुत सारी आती हैं एक साथ आती हैं उसको हम बोलते हैं स्टैंड बीम ऑफ लाइट देन वी कॉल दिस बीम ऑफ लाइट व्हाट इज बीम ऑफ लाइट इन रे ऑफ लाइट की बहुत सारी क्वांटिटी जब एक साथ आती है मतलब एक ग्रुप ऑफ लाइट रे ट्रेवलिंग टूट टूगेदर इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट जब लाइट रेज की ग्रुप आता है बहुत सारा ग्रुप आता है बहुत सारी नंबर्स ऑफ रेज आती है एक साथ में एन दिस इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट ग्रुप ऑफ लाइट रेज ट्रेवलिंग टुगेदर इज कॉल्ड ऑफ लाइट मतलब समझ में आया कि रे फ्लाइट बहुत सारी एक साथ ट्रेवल कर रही हैं जैसे दिस इज एग्जाम्पल पैरल टू इच अदर दिज आर दॉइंटोर्स दिस इज इस पॉइंट इसको बोलते हैं पॉइंट क्या बोलते हैं पॉइंट बोलते हैं इसको जैसे टोर्च आपने जला दी यहाँ पर टोर्च है इसको स्प्लिट होने लग रहा है लेकिन अभी भी क्या चला है स्ट्रेट पाथ में लाइट चलती है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो ये बीमो फ्लाइट और रेव फ्लाइट समझ में आ गए जहां पर भी यूज करेंगे आप बता देंगे रेव फ्लाइट मतलब सिंगल रे आप फॉलो कर दो बीमो फ्लाइट मतलब बहुत सारी रे आ रही हैं नंबर ऑफ रे हम वी नॉट काउंट दम अब नेक्स्ट बेसिक टर्म होती है हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट व्हाट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट सो so यू शुड नो अबाउट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बेसिकली बच्चों यू हैव स्टडी इन प्रीवियस क्लास ऑफ दिस टॉपिक लुमिनस ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है एग्जांपल्स के लिए ये बताइए इसके पास अपनी खुद की लाइट है या नहीं है सो दिस इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट सन के पास अपनी खुद की लाइट है या नहीं है दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट स्टार्स के पास खुद की लाइट होती है दैट इज कॉल्ड दे आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ठीक है तो जिनके पास खुद की लाइट होती है दे जो अपनी लाइट खुद की प्रोड्यूस कर सकते हैं इमेट्स कर सकते हैं इमेट्स का मतलब स्टूडेंट याद करना प्रोड्यूस करना होता है निकालना होता है ठीक है उत्सर्जन करना होता है तो जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस कर सकता है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और जिसके पास खुद की अपनी लाइट नहीं हो सक होती जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता दैट इज़ कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल्स के लिए इस पेन के पास अपनी लाइट है खुद की नहीं है ना इस कैप के पास नहीं है इस पेपर के पास भी खुद की लाइट नहीं है सो दैट इज़ कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ठीक है वो ऑब्जेक्ट जिसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है जो अपनी खुद की लाइट को इमिट्स नहीं करता दैट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्लियर है नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मीडियम के बारे में जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मीडियम के बारे में आपको समझ में नहीं आएगा तो आप यू कैन नॉट अंडरस्टैंड प्रोपर टॉपिक ठीक है तो मीडियम बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मीडियम प्रजेंट इन आवर नेचर फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट यू शुड नो अबाउट वाट इज ट्रांसपेरेंट सो ट्रांसपेरेंट इज अडियम इन विच वी कैन क्लियरली सीट अनोदर साइड जिस ऑब्जेक्ट में हम आर पार देख सकते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट दो कंडीशन है पहली कंडीशन एक ऑब्जेक्ट के हम आर पार देख सकते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट अनदर कंडीशन अगर हम आर पार देख सकते हैं वी कैन सी अनुदर साइड दैन इट इज़ मैंडेटरी दैट लाइट कैन पास थ्रू दिस मतलब ये है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के आर पार देख सकते हैं इफ वी कैन सी अनुदर साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन लाइट कैन क्रॉस वन साइड टू अनुदर साइड मतलब ये समझिए ये एक ऑब्जेक्ट है हम यहां खड़े हैं और हम किसी दूसरे पर्सन को यहां देख रहे हैं ये ए पर्सन है ये बी पर्सन है ए कैन सी द बी और बीच में है भी महीब मेटेरियल भी है इसका ये मतलब है कि ए बी को इस मटेरियल को क्रॉस करके तभी देख सकता है जब यहां से लाइट क्रॉस हो जाए दो कंडीशन ठीक है एक आर पार हम आसानी से देख सकें दूसरा लाइट क्रॉस हो सके दो कंडीशन होती है ठीक है दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए जैसे लेंस होते हैं गिलास होते हैं गिलास सिलाब होते हैं गिलास के पीस होते हैं उनमें हम आर पार आसानी से देख सकते हैं ठीक है विंडो होती है कुछ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्लियर है नेक्स्ट ओपेक व्हाट इज यो पैक ओपैक तो बेसिकली आपको सिंपली पता होगा ओपैक इज द मीडियम इन विच वी कैन नॉट सी क्लियरली वी कैन नॉट सी कंप्लीटली अनदर साइड दिस इज द ऑब्जेक्ट इसके नीचे क्या लिखा है आपको पता है क्या इज इज नॉट एंड यू डोंट नो बिकॉज दिस इज ओपैक ऑब्जेक्ट एंड वी कैन नॉट सी अनदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट उसको ओपैक बॉडी बोलते हैं इसके दूसरी तरफ हम नहीं देख सकते इसके नीचे क्या लिखा है वी नॉट सी क्योंकि तो लाइट यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकती तो ट्रांसपेरेंट का जस्ट अपोजिट क्या होता है ओपेक लाइट कैन नॉट क्रॉस एंड वी कैन नॉट सी अन साइड ना तो हम लोग दूसरी साइड में देख सकते हैं उधर क्या हो रहा है ना ही उसके क्रॉस में लाइट क्रॉस हो सकती है ठीक है थर्ड थर्ड इसको एग्जाम्पल्स हैं जैसे मिरर होता है आपको फेस देखते हैं डेली आप अपने घर में डेंडी बैंडी करने के लिए ठीक है मिरर होता है बेसिकली जैसे कुछ भी एवरीथिंग ब्लैक बोर्ड वे ये स्केल है ना हैंड और मतलब तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वॉल्स होती है बोर्ड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भी आप चीज़ देखते हैं इसके आर पार आप क्रॉस नहीं देख सकते जिसके आर पार आप नहीं देख सकते इसमें आर पार लाइट क्रॉस नहीं हो सकती दैट इज कॉल्ड ओपेक बॉडी एंड नेक्स्ट वन इज ट्रांसलूसेंट वी विल स्टडी ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक ओनली फर्स्ट हाफ चैप्टर डिपेंड्स ऑन ओपेक बॉडी अनदर हाफ चैप्टर ऑन डिपेंड्स ऑन ट्रांसपेरेंट बॉडी वी विल नॉट स्टडी अबाउट ट्रांसलूसेंट मोर देन दिस ठीक है तो ट्रांसप्लेट बेसिकली वो होते हैं जिनके आर आरपार लाइट क्रॉस हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकती एग्जांपल्स के लिए ये पेपर है पेपर से उधर थोड़ी बहुत लाइट तो पहुंच सकती है बट हम बार पर देख नहीं सकते देखते हैं तो दिखाई देता है लाइट क्रॉस हो जाती है पार्सली दिखाई देता है कुछ थोड़ा बहुत दिखाई देता है पूरी तरह से नहीं दिखाई देता है तो पोलिथीन फाइबर जो फाइबर वो होता है जो हमारे घरों में विंडो लगी होती है उसमें लाइट तो आ सकती है जैसे आप ओपन करते हैं उनको तो लाइट तो आती है बट उनमें से कभी भी हम आर पार नहीं देख सकते दे आर कोल्ड फाइबर दे दी टाइप मीडियम आर नोन एज ट्रांसलूसेंट ठीक है ये सब बेसिक था आपको आप पता होगा अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं दैट इज़ फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको इसके बारे में बहुत फैमिलियर हैं द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट वेन बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक टू इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ओपेक का नाम क्योंकि हम चेप्टर, चेप्टर हाँ में हम आधे आधे पढ़ेंगे। पढ़ेंगे में लोग जब भी basically क्या लाइट ट्रेवल करती है light करती है हमेशा स्ट्रेट पाथ में और बीम ऑफ लाइट में बहुत सारी एक दो तीन चार पांच बहुत सारी रे होती हैं। एक रे नहीं होती बीम ऑफ लाइट होता है तो जब बीम ऑफ लाइट बेसिकली ट्रेवल कर रहा होता है और किसी मीडियम से

लाइट बोलते हैं तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट वेन बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक टू ओपेक सरफेस जब बीम लाइट की बीम किसी ओपेक सरफेस से आके टकराती है तो वो बाउंस बैक होती है क्या होती है वो बाउंस बैक होती है सेम मीडियम में देन दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नॉन कम फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट एंड स्ट्राइक टू ओपैक्स सरफेस जब लाइट किसी सोर्स ऑफ लाइट से आ रही होती है और किसी स्ट्राइक करती है किसी ओपैक्स सरफेस से तो बेसिकली वो हमेशा बाउंस बैक करते हैं इच्स बाउंस बैक सेम मीडियम दिस प्रोसेज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सिंपल है वेरी सिंपल क्लियर है यहाँ तक अब इसके डायग्राम देख लेते हैं जैसे एग्जाम्पल्स के लिए ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा ये लाइट सोर्स था यहाँ पर हमारा दिस इज लाइट सोर्स ए से लाइट आ रही है सन भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है लाइट इज कमिंग फ्रॉम ए एंड स्ट्राइक दिस इज अरफेस वॉल मान सकते हैं इसको ब्लैकबोर्ड मान सकते हैं फ्लोर मान सकते हैं एंड एनी थिंग मिरर मान सकते हैं तो लाइट यहां से आई स्ट्राइक किया यहां पर हमने एक रे ले रखी ताकि आपको समझाने में आसानी रही बहुत सारी रे होती है नंबर ऑफ रे होती है ठीक है तो डोंट वरी डोंट वेस्ट यू टाइम टू थिंक दैट वन रे इज कमिंग ओनली नॉट वन कम रे हम लोग स्टडी कर रहे हैं ठीक है तो एक यहां से आई स्ट्राइक किया स्ट्राइक करने के बाद ये से इस एंगल पे चली जाती है ठीक है ए ओ बी एन एन पी क्यू अब बेसिक टर्म समझ में आनी चाहिए आपको ये लाइटर जो आ रही है इसको क्या बोलते हैं जो लाइटर जा रही है टेकरांग इसको क्या बोलते हैं और जो बेसिकली हमने लाइन ड्रॉ करके ये क्या है और ये पी क्यू क्या है क्लियर है ठीक है तो पहली चीज हम लोग पढ़ते हैं इंसिडेंट रे व्हाट इज इंसिडेंट रे तो बेसिकली इंसिडेंट बोलते हैं जैसे इंसिडेंट आपको पता है घटना आपके साथ कोई घटना हो गई इंसिडेंट क्या होता है जब भी कोई घटना होती है जब भी कोई रे आती है वेन एनी रे कम्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट जब किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से रे आती है तो उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे बताइए कौन सी आ रही है इनमें से तो आंसर है एओ इज या इंसिडेंट रे बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट क्लियर है तो हम कह सकते हैं ए क्या है इसमें रे हो. इंसीडेंट रे क्लियर है अब सुनिए आगे नेक्स्ट अब ये स्ट्राइक कर गई स्ट्राइक करने के बाद चले गए इसको क्या बोलते हैं तो आंसर इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे द रे विच इज कमिंग फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट इट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस किसी भी सरफेस से स्ट्राइक करके करने के बाद जब रे चली जाती है किसी डायरेक्शन में तो उस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डायग्राम रिफ्लेक्टेड रे तो आंसर है इट इज इंसिडेंट रे स्ट्राइक किया स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई तो बी ओ इज ए रिफ्लेक्टेड रे बिकॉज ये तो इंसिडेंट रे है ए ओ टकराई आ गए यहां पर यहां से स्ट्राइक करने के बाद चली गई उधर तो ये टकराने के बाद जो जा रही है वो यही तो है बी ओ तो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे क्लियर है यहाँ तक ठीक है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसको ओबी से नोट किया इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एग्जाम्पल्स के लिए आपके साथ कुछ भी हुआ है जैसे आपके आपसे मान लो आपको क्या किया था आपके मामा की कहीं पे शादी हुई है तो वो क्या है उस शादी की जगह है जहाँ पे हुई है शादी तो बेसिकली पॉइंट ऑफ इंसिडेंट भी इसी तरह का होता ये है ये रिफ्लेक्शन आखिर हुआ कहाँ है वेयर दिस रिफ्लेक्शन अकर्स बताइए ये लाइट आ रही थी ये बी ओ जो है सेकंड के बाद चली गई आखिर कहाँ पर जाके लाइट टकराई जिससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ तो यू शुड नो अबाउट दिस लाइट ए बी इज स्ट्राइक सॉरी इज स्ट्राइक ऑन ओ लाइट कहाँ पर स्ट्राइक हुई थी पर स्ट्राइक हुई थी और पर स्ट्राइक होने के बाद वो बी डायरेक्शन में या बी ओ बी बन के चली गई रिफ्लेक्टेड रे बन के चली गई सो दिस ओ पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट पॉइंट भी हम बोलते हैं ट वाई पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बिकॉज द लाइट कमिंग फ्राम सोर्स ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम सोर्स स्ट्राइकिंग टू दिस सर्फेस एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग टू दिस सरफेस या दिस पॉइंट इट विल बाउंस बैक सो दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट पॉइंट उसे नोट किया गया कोई हंड्रेड परसेंट ट्रू नहीं है कि हम उसे नोट करेंगे ए बी से नोट करेंगे ये अभी तक मैंने इसमें डोट किया है ताकि आपको डायग्राम क्लियर हो कि ए क्या है ओ बी क्या है और ओ क्या है ठीक है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नॉर्मल के बारे में वाट नॉर्मल सो so, वाट नॉर्मल सो so, बेसिकली नॉर्मल जो होता है नॉर्मल इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू आवर सरफेस बेसिकली आपको इससे पहले मैं बताता हूं ये पी क्यू क्या है पी क्यू सरफेस है जहां पे स्ट्राइक कर रहा है रे और ये हमने ये क्यों लिया है ये वाई वी ड्रो दिस लाइन दिज लाइन्स इट इज बिकॉज इससे हमें यह चलता पता कि जो ऑब्जेक्ट है ये जो सरफेस है बेसिकली ये सरफेस नीचे से कोटिंग किया हुआ है कोटिंग का मतलब समझते हो कि हमने इस पर पेंट कर रखा है वी पेंटेड दिस सरफेस फ्रॉम एनी मटेरियल सो दैट लाइट कैन कैनोट क्रॉस टू दिस ऑब्जेक्ट लाइट हमारी इससे क्रॉस नहीं करनी चाहिए लाइट क्रॉस कब नहीं करेगी जब ये उधर से पेंट हुआ 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 तो हमने इसलिए पेंट कर रखा है इसको इसका मतलब ये होता है कोटिंग कर रखी है इधर ठीक है इसका ये जो लाइन लाइन ड्रॉ कर रखी है ठीक है अब हम क्या करते हैं ये लाइटरें आई थी मैं नॉर्मल पे आता हूँ ठीक है ये लाइटरें आई थी ये लाइटरें चली गई अब क्वेश्चन ये उठता था कि हम इसको कैसे मेजर करें कि क्या पहचान है कितने एंगल्स पे लाइट आ रही है कितने एंगल पे लाइट जा रही है तो हमने क्या किया हमने एक लाइन ड्रॉ करी परपेंडिकुलर इस सरफेस के जिस परपेंडिकुलर और हमने देखा कि नॉर्मल समझ आया नॉर्मल इज ए इमेजिनरी लाइन लाइन होती है इमेजनरी किसने ड्रॉ की हमने ड्रॉ की इट इज अ एमेजनरी लाइन परपेंडिकुलर टू पी क्यू किस पे परपेंडिकुलर होती है ये पी क्यू पे होती है ठीक है आगे हम लोग बढ़ते हैं इसको बोलते हैं नॉर्मल इसको एन एन सी भी नोट करते हैं एम एन सी भी नोट करते हैं एन NO ओ से किसी से नोट करते हैं एन तो नॉर्मल ही होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट हमने क्या किया अभी क्या कहा था एंगल मेजर करना चाहा तो बेसिकली ए एक इंसिडेंट रे है और एन NO ओ एक नॉर्मल है तो हमने क्या कहा इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इसके और इसके बीच का जो एंगल है ये इसको क्या बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट ठीक है इसको आई से नोट करेंगे हम क्लियर है नेक्स्ट इज अब यहां से यहां तक का मुझे कर लिया एंगल अब यहां से यहां तक कब कर लेते हैं तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ठीक है इसको हम आर से डोट करते हैं द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस इज डोटेड बाई आर एनी डाउट ठीक है नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट इज लो ऑफ रिफ्लेक्शन तो व्हाट वेयर स्टडिंग हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन फॉलोज सम रूल बेसिकली रिफ्लेक्शन जो होता है कुछ नियमों को पालन करता है तो वाट इज वाट द रूल्स दे कॉल्ड उनको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं रिफ्लेक्शन फॉलो सम रोज इज नोन एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है उनमें सबसे पहला नियम क्या है आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है फर्स्ट रूल्स ऑफ दिस ये है बेसिकली कि दिस इज इंसिडेंट रे दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज नॉर्मल तो फर्स्ट रूल ये है बेसिकली कि जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों सेम प्लेन में लाइक करते हैं थ्री आर लाइज ऑन सेम प्लेन इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन एग्जाम्पल्स के लिए आप देख सकते हैं मैं आपको एग्जाम्पल दे बताता हूँ जैसे ये एक प्लेन है दिख रहा है ये लाइट आई ये लाइट आ रही है स्ट्राइक करने के बाद ये इधर चली गई दिखाई दे रहा है हमने जानबूझ के ड्रॉ किया नॉर्मल क्या तीनों सेम साइड में है या नहीं सेम प्लेन में है या नहीं थ्री सर सेम प्लेन ठीक है इसलिए हमारा पहला नियम क्या कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन सेम प्लेन सेकंड इज एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं याद रहे एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल और नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच का होता है और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच का होता है ठीक है क्लियर है यहां तक तो दो नियम है इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड नॉर्मल नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर एंगल आइजकल टू एंगल आर ठीक है अभी क्वेश्चन ये होता है कि हमारे तो सर्फेस टूटे फूटे भी होते हैं इस तरह से उबड़ खाबड़ के जैसे होते हैं ना ये इस तरह की मान लो ये एक सरफेस है लेट करते हैं ये वाला एक सरफेस है ऐसा टूटा फूटा टूटा क्या ये ये सरफेस ये टूटा फूटा है ना ये दिखाई दे रहा होगा ये सरफेस रिफ्लेक्शन ऑफ लो को फॉलो करता है तो आंसर रिफ्लेक्शन ऑफ हमेशा हो टूटा रेगुलर सरफेस मतलब स्मूथ सरफेस एंड एज वेल एज इेगुलर सरफेस ठीक है हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं लो, हम लोग इमेज के बारे में यू टॉक अबाउट इमेज व्हाट इज इमेज सो इमेज इज बेसिकली क्या होता है इमेज जैसे मैंने क्या कहा अभी लाइटर जहाँ से जा रही हैं हमने क्या कहा लाइटर सोर्स ऑफ लाइटर आती हैं द पिक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन और विदाउट स्क्रीन इज नोन एज इमेज अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी चीज़ की अगर किसी भी चीज़ की हम ऑब्जेक्ट की पिक्चर देखना चाहते हैं तो उसको इमेज कहते हैं चाहे वो किसी फोटो में देख रहे हों चाहे हम उसको रियल में देख रहे हों उसको हम क्या कहेंगे बोल रहे हैं इसको क्या दिखाई दे रहा होगा इसको इस पर्सन की इमेज दिखाई दे रही होगी दिस ब्लैक पेन इज वॉचिंग द इमेज ऑफ ब्लू पेन रियल में खड़ा है रियल में नहीं तो मान लेते हैं इसका फोटो है हमारे पास फोटो ऑफ ब्लू पेन वी द इमेज बट दिस इज नॉट रियल पेन रियल इमेज विविल नो अबाउट डेट ठीक है तो ये इमेज थी जिसको हम लोग देखते हैं बेसिकली वो इमेज होती है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज टू टाइप्स की होती हैं रियल रियल इमेज ये जैसे uh, ये पैन इसको हम रियल में देख पा रहा है दिस इज रियल इमेज दिस पैन इज वॉचिंग टू दिस पैन दिस इज रियल इमेज एंड यू आर वॉचिंग द वीडियो ऑफ साइंस वर्चुअल इमेज जिस जिसमें रियल में लाइट मीट कर रहे हैं। दो कंडीशन होती है इसके भी जब लाइट रे रियल में इंटरसेक्ट करें रियल में इंटरसेक्ट करने का मतलब आप समझेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे ठीक है वैन लाइट रे मीट्स टू ईच अदर इन रियल देन द इमेज फॉर्म इज रियल इमेज जब लाइट रियल में हम आपस में एक दूसरे इंटरसेक्ट करती हैं तो हमको क्या बोलते हैं उसको ऐसे समझिए लाइट रे आ रही होंगी जैसे लाइट रे यहां पर आ रही हैं यहां पर आ रही है लाइटरे ये ऐसे गई ये ऐसे गई यहां पर इंटरसेट किया रिफ्लेक्शन के बाद दोनों ने एक दूसरे को करते हैं ठीक है यहां पे एक दूसरे इंटरसेक्ट किया क्या लाइट रियल में इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही हैं तो आंसर है लाइट रियल में इंटरसेट कर रही हैं इसलिए यहां पर जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज बनेगी कई जगह पर रियल इमेज नहीं बनती है जैसे एग्जाम्पल्स के लिए आप अपना फेस देखते हैं इसमें मिरर में जो घरों पर देखते हैं आप खड़े ही दे हैं दिखाई उधर दे रहे हैं व्हाट आर द रीज़न तो आंसर है वो रियल में इमेज नहीं बनती वो वर्चुअल इमेज बनती है जब लाइटर रियल में इंटरसेक्ट नहीं करती है तो उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं ठीक है ठीके? जो रियल में इमेज इंटरसट करती हैं रे तो रियल इमेज और रियल में नहीं करती हैं वैसे ही हम लोग मान लेते हैं तो वर्चुअल इमेज दूसरी कंडीशन बता देता हूँ आपको जिसको हम स्क्रीन पर ले सकते हैं जो रे जो आ, इमेज स्क्रीन पे ली जा सकती हैं जो इमेज स्क्रीन पे ली जा सकती हैं उनको रियल इमेज बोलते हैं जो स्क्रीन पे नहीं ली जा सकती उनको वर्चुअल इमेज बोलते हैं द इमेज विच कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन दैट इज कॉल्ड रियल इमेज द इमेज विच कैन नॉट टेकन ऑन स्क्रीन दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज ठीक है याद रखना लाइट रे यहाँ से आ रही है एंगल आई जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ उसके बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे लाइट रे मैं कहता हूँ आपसे ये नॉर्मल है ये सरफेस है यहाँ से लाइट रे थर्टी डिग्री पर आ रही है तो यहाँ से लाइटरे कितनी चली जाएगी थर्टी पर चली जाएगी ठीक है लाइट रे मान लेते हैं सिक्सटी पे आ रही है तो जैसे भी कितने में चली जाएगी सिस्टी पे चली जाएगी ठीक है अब मुझे एक चीज़ बताइए अगर लाइट रे यहाँ से आ रही है पार्ट विल हैपन तो आंसर है रूल्स को तो कभी अनफॉलो करेगी नहीं रूल्स को तो अभी भी फॉलो करेगी तो लाइट भी सेम पाथ से चली जाएगी अब मुझे बताइए इंसिडेंट रे कौन सी यही इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे कौन सी यही रिफ्लेक्टेड रे अड नॉर्मल कौन सा तो यही नॉर्मल अब बताइए तीनों सेम लाइन पे हैं कि नहीं है अब सेम लाइन पे तो है ही हैं एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन रख दें तो इनके बीच में एंगल कितना होता है जीरो होता है सिंपल सी बात है तो इन दोनों के बीच में एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर दोनों बराबर हैं और जीरो के बराबर हैं दोनों के बराबर जीरो के बराबर क्यों है क्योंकि दोनों के बीच में कोई गैप है ही नहीं एंगल क्या होता है एंगल दो लाइन का बेंडिंग होता है तो दोनों एक ही लाइन पर लाई कर दें तो एंगल जीरो होता है ठीक है और इस सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब अगर लाइट रे नॉर्मल पे आ जाती है नॉर्मली जो है हमारा इफ लाइट रे कम्स ऑन नॉर्मल इफ लाइट रे कम्स ऑन नॉर्मल देन इट बाउंस बैक ऑन सेम पाथ जब लाइट रे परपेंडिकुलर आती हैं नॉर्मल पे आती हैं तो टकराने के बाद वो हमेशा सेम पाथ से चली जाती हैं सेम पाथ से चली जाती हैं ठीक है इस, इस कंडीशन में एंगल आई और आई दोनों जीरो होते हैं क्लियर है अब इसमें एक और चीज़ बताता आपको कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है इसमें बाद में क्या होता है वर्चुअल का मतलब सॉरी इरेक्ट का मतलब और इन्वर्टेड का मतलब जब इमेज फॉर्मेशन हम लोग पढ़ लेंगे याद रखना रियल के साथ इन्वर्टेड जो रियल है वो उल्टा होता है ठीक है और वर्चुअल जो होता है वो बिल्कुल सीधा होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग मिरर के बारे में पढ़ते हैं व्हाट इज मिरर तो मिरर आपने सबने घरों में देखा है मिरर एक बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है जो दूसरी तरफ से क्या होता है कोटिंग होता है विच इज कोटिंग टू अनदर साइड एक मिरर क्या होता है मिरर ऐसा होता है कि जिसके इधर की तरफ अगर हम इधर फेस देखना चाहते हैं इफ यू वांट टू फेस इफ यू वांट टू सी द फेस इन दिस साइड देन वी हैव टू पेंट दिस साइड ग्रीन कलर पेंटिंग और अनदर कलर पेंटिंग या सिल्वर कलर पेंटिंग तो क्या करते हैं इधर पेंटिंग कर देते हैं और इधर से हमें अपना फेस दिखने लग जाता है ऐसा हम क्यों करते हैं ताकि ये लाइट यहाँ से स्ट्राइक करे उधर ना चले जाए स्ट्राइक करके हमारी आइज पे आए हमारा फेस दिखाई दे जाए ठीक है तो मिरर क्या होता है मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है गिलास का या प्लास्टिक का या एनीथिंग जिसमें अनदर साइज लेयर होती है मिरर आर मेड बाय डिपोजिटिंग सिल्वर लेयर सिल्वर लेयर होती है ऑन वन साइड ऑफ गिलास गिलास के वन साइड में सिल्वर लेयर होती है सीट एंड सिल्वर लेयर इज प्रोटेक्टेड बाय कोटिंग ऑफ रेड पेंट पहले सिल्वर लेयर करते हैं उसके बाद रेड पेंट कर देते हैं ताकि सिल्वर लेयर हमारी को क्या रहे कोटिंग रहे बची रहे ठीक है मिरर के अगर टाइप्स की बात करते हैं तो दो तरह के होते हैं मिरर सबको बताओ हुआ और कौन नहीं होते हैं प्लेन और स्पेरिकल मिरर होते हैं दो तरह के मिरर बेसिकली टू टाइप्स प्लेन मिररर एंड स्पेरिकल मिररर व्हाट इज प्लेन मिरर तो प्लेन मिरर वो होता है जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं फेस देखने के लिए बिल्कुल स्ट्रेट होता है ना पाथ ऐसे होता है बिल्कुल सब पार्ट होता है जिसमें हम फेस देखते हैं ठीक है दैट इज़ प्लेन मिरर अब बेसिकली क्या है हमने इमेज की डेफिनेशन पढ़ ली रियल और वर्चुअल दो तरह की होती हैं ठीक है ठेके? अब कंडीशन ये है कि हम पूरे चैप्टर के अंदर इमेज ही इमेज पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट तो हमें सब दिखाई देता है ऑब्जेक्ट तो हम पढ़ लेते हैं बट पूरे चैप्टर में हम इमेज ही इमेज पढ़ने वाले हैं व्हाट इज इमेज किस टाइप की इमेज बनी है तो हम सबसे पहला प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं प्लेन मिरर बिल्कुल स्मूथ होता है और पूरा सरफेस उसका स्मूथ होता है कहीं से भी उबड़ खाबड़ सा नहीं होता ऊंचा नीचा नहीं होता है ठीक है दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर अब प्लेन मिरर की जैसे कि मैंने अभी आपको बताया हम इमेज फॉर्मेशन ही पढ़ते हैं सभी चीज़ों की लेंस की मिरर की तो हम सबसे पहले स्टडी करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर तो इसके बारे में आप लोग घरों में डेली देखते हैं सबको पता है इमेज फॉर्मेशन कैसी बनती है ये मिरर है आपका दिखाई दे रहा है यहां पर आप खड़े हैं तो आप इमेज आपकी यहां दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी ठीक है अब मुझे बताइए आप यहां पर खड़े हैं और रियल में आप दिखाई यहां दे रहे हैं चाहे सच है तो आंसर दिस इज नॉट ट्रू सो दिस इज नॉट रियल इमेज क्योंकि आप इधर खड़े हैं और दिखाई उधर दे रहे हैं तो दिस इज नॉट रियल सो दिस इज नॉट रियल इमेज वट इज वाट इमेज दिस तो दिस इज ए वर्चुअल टाइप इमेज क्योंकि रियल में आप इधर हैं उधर नहीं है दिस टाइप इमेज। को तो नहीं आ तक। दूसरी बात मैंने क्या कहा था वर्चुअल होता है तो हमारा हम वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट भी होता है तो हम कह सकते हैं कि प्लेन मिरर फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज तो क्योंकि रियल में नहीं मिल रही है ठीक है अगर कोई डाउट है तो मुझे मुझसे पूछ सकते हैं आप दूसरी टाइप दूसरी क्वालिटीज़ की ये होती है आप देखेंगे इमेज यहां आपका मिरर यहां है आप मिरर से यहां इतनी दूरी पर खड़े हैं और आपको दिखाई देगा कि आप इमेज भी आपकी इमेज भी मिरर से पीछे की तरफ इतनी दूरी पर दिखाई देगी मतलब जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है उतनी दूरी पर आपको इमेज दिखाई देगी तो सेकेंड कंडीशन यह है हमारी कि जो पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट है पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू पोजिशन ऑफ इमेज पोजिशन बोलते हैं डिस्टेंस को डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है ए बी ए डैस बी डैश इमेज है द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज क्लियर है कोई डाउट तो नहीं है ठीक है तीसरी कंडीशन क्या है कि आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज भी इतना बड़ा जितना आप जितनी हाइट आपकी होती है उतनी बड़ी दिखाई देती है ना आप हाइट आपकी इमेज उसमें मिरर में तो ये मान लेते हैं ए बी देखो ये इसकी हाइट है साइज है इसका इमेज का साइज भी भी है। क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं तो बोथ इक्वल सो बेसिकली कंडीशन फोर्थ कंडीशन क्या होती है, ये है आपने देखा। मिरर में आप देखना। अगर आप क्या करते हैं ये राइट right हैंड उठाते हैं तो उधर से पर्सन मान लेते हैं ये राइट right हैंड है इसको आप उठा रहे हैं तो उधर से देखेंगे आप उधर से भी यही हैंड उठा रहा है और उधर से उधर से हैंड जो दिखाई देगा वो लेफ्ट हैंड दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा अगर आप इधर से राइट हैंड उठा रहे हैं तो उधर से लेफ्ट हैंड उठाता हुआ दिखाई देगा इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन क्या बोलते हैं इसको लेटरल इन्वर्जन यही कारण है जो एम्बुलेंस आपने देखी होगी एम्बुलेंस जो होती है बेसिकली एम्बुलेंस पे वर्ड उल्टे लिखे होते हैं जस्ट अपोजिट ताकि सीधे दिखाई दे क्योंकि क्या दिखाया जाता है इसमें हम इधर से देख रहे हैं इधर से हैंड उठा रहे हैं उधर से हमें ये उठता हुआ दिखाई देगा ये क्लियर है कि नहीं ये होता है तो चार कंडीशन फिफ्थ कंडीशन होती है मैग्निफिकेशन प्लस वन, वन तो बताऊंगा जो आपको मैग्निफिकेशन स्टडी करा दूंगा अभी मैंने चार प्रॉपर्टी बताई पांच प्रॉपर्टी बताई पहली प्रॉपर्टी है कि वर्चुअल एंड इंडेक्टिव इमेज फॉर्म करता है क्यों क्योंकि इसमें रियल में इमेज नहीं बनती है दूसरा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज साइज ऑफ इमेज दोनों इक्वल होते हैं एंड पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू पोजिशन ऑफ इमेज ये भी इक्वल होते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी हमेशा लेटरल इन्वर्टरी इमेज बनती है लेटरल इन्वर्टरी इमेज का मतलब होता है वन एट्टी रोटोटी हुए यहाँ आप ऐसे रखें तो उधर ऐसे दिखाई देंगे अगर आप ऐसे खड़े हैं मिरर के सामने और ये मिरर है तो आप पीछे की तरफ ऐसे दिखाई देंगे ठीक है तो वन एट्टी डिग्री घुमा हुआ और मैग्नीफिकेशन प्लस वन होता है क्लियर है आज तक आज के लिए इतना ही काफ़ी है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस स्पेरिकल मिरर और उसके टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे तो थैंक यू